हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनालॉगी, जो कि एसएससी सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एनालॉगी के जो टाइप्स हैं वो मेनली सिक्स टाइप्स हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, सेकेंड टाइप है सेलेक्टिंग द एनालॉगस पेयर, थर्ड टाइप है सिंपल और डायरेक्ट एनालॉगी, फोर्थ टाइप है सेलेक्टिंग अ सिमिलर वर्ड, फिफ्थ टाइप है एनालॉगी बेस्ड ऑन नंबर्स, एंड सिक्स टाइप है एनालॉगी बेस्ड ऑन अल्फाबेट। वन बाय वन हम सारे पार्ट्स को करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। इनमें से किसी भी टाइप में से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। फर्स्ट टाइप हम करते हैं कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, आपको पेयर्स दिए होंगे, उस पेयर को आपने कंप्लीट करना है। मतलब एक जो वर्ड है पेयर में वो दूसरे से कोरिलेट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मुगल, मुगल जो है हिस्ट्री, मतलब मुगल जो है वो हिस्ट्री से कोरिलेट कर रहे हैं। तो रिवर्स किससे कर रहा होगा? रिवर्स देखिए, यहाँ पर देखिए जियोग्राफी जो है वो हो सकता है, फिजिक्स नहीं हो सकता, साइकोलॉजी भी नहीं हो सकता और बायोलॉजी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जियोग्राफी। ऐसे मुगल हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं तो रिवर्स किससे करेंगे? जियोग्राफी से। सेकेंड क्वेश्चन है कप कॉफी, अगर कॉफी जो है वो कप में होती है तो बोल, बोल का मतलब कटोरी, कटोरी में क्या होता है? देखिए डिश नहीं हो सकता, स्पून भी नहीं, फूड भी नहीं, तो क्या होगा? सूप। जैसे कप को हम कॉफी में पीते हैं, वैसे सूप को हम किस में? बोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर फ्लो, फार्मर अगर हल चलाता है तो पेंटर क्या करता है? पेंटर किसका यूज करता है? ब्रश का, हैरो का भी नहीं करता, एक्स का भी नहीं करता, नाइफ का भी नहीं करता, तो ब्रश जो है राइट आंसर रहेगा। सेकंड जो टाइप है वो है सेलेक्टिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें आपको क्या करना है? एक पेयर आपको दिया हुआ है, दूसरा पेयर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट है एजेंडा मीटिंग, तो आपको दूसरा पेयर यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एजेंडा अगर मीटिंग से रिलेटेड है तो इनमें से सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम जो है वो फंक्शन से, मतलब एक जो पॉइंट की डिटेल है वो दूसरे में दी हुई है, तो प्रोग्राम की डिटेल किसमें? फंक्शन, फंक्शन से। परफॉर्मेंस टिकट गलत है, मैप स्केल भी, ये तीनों ही हमारे ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा प्रोग्राम फंक्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है नाइफ चॉपर, आपको एक पेयर दिया हुआ है, दूसरा आपको बताना है कि क्या है। नाइफ और चॉपर जो है दोनों ही कटिंग के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही सेम चीज किस में होती है? वॉकिंग फिटनेस भी नहीं हो सकता, स्विम फ्लोट भी नहीं हो सकता। क्विल्ट ब्लैंकेट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही सर्दी से बचने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन को अगर हम कोर्ट में खेलते हैं तो हॉकी को स्टिक के साथ खेलते हैं, पर ग्राउंड में खेलते हैं ये हो नहीं सकता। क्रिकेट भी बैट के साथ,
नहीं हो सकता, फुटबॉल भी, ये तीनों ही ग्राउंड में खेलते हैं हम, तो स्केटिंग रिंक ये सही आंसर रहेगा, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड टाइप है सिंपल और डायरेक्ट एनालॉगी। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, शेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इन द सेम वे एज ड्रगिस्ट इज रिलेटेड टू, मतलब शेफ जो है रेस्टोरेंट में जॉब करता है तो ड्रगिस्ट कहाँ करेगा। मेडिसिन गलत है, स्टोर भी गलत है, केमिस्ट भी गलत है, कहाँ करेगा, फार्मेसी में। तो दूसरा जो है हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखिए, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू, मतलब डॉक्टर जो है पेशेंट को चेक करता है तो लॉयर किसको, कस्टमर गलत है, कॉज गलत है, मजिस्ट्रेट भी गलत है, क्लाइंट जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्लाइंट। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इज रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी इन द सेम वे एज विटनेस इज रिलेटेड टू, मतलब एक डिटेल दूसरे में है, तो लाइफ अगर ऑटोबायोग्राफी है तो विटनेस पेपर्स नहीं हो सकते, ट्रूथ नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती, विटनेस किस क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो है राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिलेक्टिंग अ सिमिलर वर्ड। मतलब आपको तीन जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर होंगे, फोर्थ आपको सर्च आउट करना है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, ओम, वॉट और वोल्ट, ये क्या है, मेजरिंग जो है ये क्वांटिटीज हैं किसके लिए, एनर्जी की। ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है, लाइट नहीं है, ये मेजरिंग क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं है, एम्पियर जो है सही आंसर रहेगा, एम्पियर। नेक्स्ट है जैसे जूट, कॉटन, वूल, फोर्थ आपको बताना है सिमिलर पेयर। तो ये तीनों जो है वो नेचुरल फाइबर्स हैं, तो टेरेलिन जो है नेचुरल फाइबर नहीं है, रेयॉन भी नहीं है और नाइलॉन भी नहीं है, सिल्क है नेचुरल फाइबर, तो सिल्क जो है राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्लच, ब्रेक, हॉर्न, ये तीनों ही क्या है, ये गाड़ी के पार्ट्स हैं, स्कूटर गाड़ी का पार्ट नहीं है, कार गाड़ी का पार्ट नहीं है, एक्सीडेंट भी नहीं है, क्या है गाड़ी का पार्ट, स्टीयरिंग, तो सेकंड जो है राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ पार्ट हमारा, एनालॉगी बेस्ड ऑन नंबर्स। इसमें आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो 96, 32, 48 क्वेश्चन मार्क, तो एक जो पेयर है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से रिलेटेड होता है, ऐसे दूसरे पेयर में भी सेम रिलेशन होता है, तो 32 को अगर हम, 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आता है, 96। ऐसे ही हम किसको मल्टीप्लाई करें 3 से कि 48 आ जाए, तो होगा 16, क्योंकि 16 इंटू 3 होता है 48, थर्ड जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, 6, सिक्स का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 32
36। ऐसे ही फोर फोर वन का स्क्वायर क्या होता है, फोर फोर वन का स्क्वायर होता है 21। तो सेकंड जो हमारा राइट आंसर रहेगा सेकंड। अब इस क्वेश्चन में देखिए 6 18 4 क्वेश्चन मार्क। अगर हम करें 6:3 18 तो 4:3 12 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब ये जो है अप्लाई नहीं हो रहा। तो अप्लाई क्या हो रहा है, अगर मैं करूं एक्स स्क्वेयर, अप्लाई हो रहा है एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर वाई टू। अब देखिए 36 स्क्वेयर, एक्स है हमारा 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 अपॉन 2 किया कितना आ गया 18। ऐसे ही अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं 16 और अपॉन कर दूं 2 तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है एनालॉगी बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए सी ई एच जे एल और एल एन पी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, प्लस वन का, और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में भी प्लस वन का, ये सी डी ई। और एक पेयर से दूसरे पेयर में कितना डिफरेंस है, प्लस टू का, क्योंकि ई एफ जी एच, एफ और जी में मतलब प्लस टू का है। तो ऐसी अगर मैं इसमें प्लस टू करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पी के बाद क्यू आर और एस, तो एस आ जाएगा प्लस टू करने के बाद एस आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है डिफरेंस प्लस वन का, टी के बाद आता है यू, फिर वी के बाद आता है डब्ल्यू, एस यू डब्ल्यू प्लस वन, और इधर भी प्लस वन, और एक पेयर से दूसरे पेयर के बीच में प्लस टू का डिफरेंस था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है ए जी आई ओ ई के क्वेश्चन मार्क। अब ए और जी में देखिए कितने का डिफरेंस है, ए के बाद देखिए बी सी डी ई एफ और जी, ये देखिए 2 और 3 5, तो प्लस 5 लेटर का डिफरेंस है। उसके बाद आ रहा है हमारा जी, और एक पेयर से दूसरे पेयर में देखिए जी एच आई, एक पेयर से दूसरे पेयर में प्लस वन का डिफरेंस है। ऐसी में के बाद आएगा एल और एम प्लस वन करके, और इसके बाद प्लस फाइव करेंगे हम इसमें एम के बाद, एम एन ओ पी क्यू आर, इसके बाद आएगा एस, तो एम एस सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ई जी जी के एम एम क्यू एस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए और ई के बीच में कितना डिफरेंस है, ए और ई के बीच में प्लस थ्री का, ये थ्री लेटर्स हैं प्लस थ्री का, और ई और जी के बीच में ई एफ जी, तो ये प्लस वन का, तो प्लस थ्री और प्लस वन का डिफरेंस है। ऐसी जी और के बीच में भी ये प्लस थ्री है, उसके बाद के और एम के बीच में ये प्लस वन है, और एक पेयर से दूसरे पेयर में सेम लेटर रिपीट हो रहा है। ऐसी सेम लेटर मैंने रिपीट किया एस, एस के बाद प्लस थ्री जो लेटर्स आते हैं वो आते हैं टी यू वी, उसके बाद आता है डब्ल्यू, उसके बाद फर्स्ट
एक लेटर को छोड़ के, प्लस वन को छोड़ के एक्स, उसके बाद आता है वाई, तो एस डब्ल्यू वाई जो है हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स ये हमारा एनालॉगी का पार्ट था जो कि एसएससी सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।